तो ब्रॉक लेसनर के रिटर्न डेट के ऊपर अपडेट निकल के आ रही है कि ब्रॉक लेसनर पर रॉ 30 का जो एपिसोड है यानी कि जनवरी 18 को अराउंड वो एपिसोड होने वाले वहाँ पर अपने 20 दिन का नेट ब्रॉक लेसनर आएंगे क्योंकि बॉबी लेसनर की स्टिल अभी फायर है। अगर बॉबी लेसनर आएंगे तो 20 दिन का नेट ब्रॉक लेसनर भी जल्दी हमें रॉ 30 के ऊपर आते हुए नजर आएंगे। बात करते हैं अपने जॉन सीना ने अपने टिकटॉक के ऊपर एक रूमर रेंज जो स्मैकडाउन के ऊपर मैच रेसल गया था वो रूमर रेंज का 151 यानी कि 191 यानी कि 150 से ज़्यादा मैच रूमर रेंज ने 2022 सफर के अराउंड जीत लिए हैं। रोमन रेंज ने यह मैच जीता है यानी कि बिना पिन हुए यह मैच रोमन रेंज जीत लिया है। कुछ अलग ही रिकॉर्ड रोमन रेंज ने अभी क्लियर बना चुका है। बात करते हैं जॉनसन ने अपने टिकटॉक के ऊपर एक वीडियो ड्रॉप की। हाँ मैं टिकटॉक यूज़ नहीं करता लेकिन मुझे वीडियो फिर भी मिल गए, लेकिन ये यहाँ पर इस वीडियो में यहाँ पर जॉन सीना जो ब्लड रन के जितने भी मेंबर हैं न्यू डे के मेंबर हैं उन सबको बैक स्टेज के ऊपर जाके मिल रहे हैं। जॉन सीना के बैक स्टेज काफ़ी यानी यूनिक वीडियो हमें अभी के लिए देखने को मिल रही है क्योंकि जॉन सीना भी क्योंकि स्टिल काफ़ी बड़े स्टार है इसलिए सब उनको जाके मिलते हैं बैक स्टेज। बात करते हैं रॉक की व्यूवरशिप बैक टू ट्रैक आ चुके हैं 1.603 मिलियन व्यूज यानी कि अच्छी खासी स्मैकडाउन रॉक की व्यूवरशिप जो रॉक का एपिसोड होता लेकिन वो स्टिल स्मैकडाउन से कम है अभी भी।